फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मावा गुजिया, और ये गुजिया थोड़ा सा अलग डिजाइन से हम बनाएंगे, अलग तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसे। और ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और होली पे आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बाउल में हमने एक कटोरी मैदा लिया हुआ है, इसमें दो पिंच हम डाल देंगे खाने वाला सोडा। उसके बाद से इसमें दो चम्मच हम दही ऐड करेंगे और इसमें हम डालेंगे 5 से 6 चम्मच घी। आप अपने मैदा के हिसाब से इन सब चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को हम हाथों से अच्छा से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अब पानी बहुत कम लगेगा इसे लगाने में, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो हम तैयार करेंगे। यहाँ पे मोयन से आटा पहले से ही बहुत अच्छा हो गया था, उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल 2 से 3 चम्मच लगा है आटा गूंथने में, और ये आटा गूंथ चुका है। अब इसे हम आधे घंटा के लिए ढक के रख देंगे। और चलिए इधर बाकी की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो गैस पे एक पतीली हमने रख दिया है और उसमें एक कटोरी हमने चीनी डाला है, और इसमें एक कटोरी हम पानी डालकर इसका चाशनी तैयार करेंगे। इस तरीके से चलाते हुए हमें चाशनी तैयार करना है, और इसे तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बिल्कुल गाढ़ी चाशनी हमें तैयार करना है। और इसमें 2 इलायची हम कूट कर ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये गाढ़ी हो चुकी है, तो इसे थोड़ा सा चेक कर लेंगे। यदि हाथों में चिपचिपाहट हो रही है तो ये बिल्कुल बन के तैयार है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की चाशनी हमें चाहिए। अब यहाँ पर गैस हम बंद कर देंगे, ये चाशनी बन के बिल्कुल रेडी है। तो अब चलिए इसे बंद कर देती हूँ और इस पर कढ़ाही रख लेंगे। तो कढ़ाही के अंदर हम 2 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। इसे गर्म होने के बाद इसमें हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। आप ये देख सकते हैं किशमिश, पिस्ता और काजू बादाम हमने लिया है। आप अपने हिसाब से, अपने पसंद से काजू बादाम या जो चीज़ें ड्राई फ्रूट लेनी है लीजिए। तो इसे आधे मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर हमें फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं इसे हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम 200 ग्राम मावा डालेंगे और इसे इस तरीके से लो फ्लेम पे भून लेंगे। हल्का सा भुनना है हमें इसे, इस तरीके से मेल्ट होने तक। और यहाँ पे कुटी हुई इलायची पाउडर हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छा से मिक्स कर देंगे। उसके बाद से गैस हम बंद कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हो चुका है, तो यहाँ पे गैस बंद कर देना है। और इसमें हम 4 से 5 टेबल स्पून नारियल बूरा ऐड कर रहे हैं और मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम चीनी बिल्कुल ठंडा होने के बाद डालेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ठंडा हो चुका है, तो इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी हम डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा चीनी करें, और इसे अच्छा से इसमें मिक्स कर लेंगे चीनी को। उसके बाद इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो ये तैयार हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच मैदा हम लेंगे एक कटोरी में, और 2 चम्मच पानी डालकर इसे एक पतला घोल तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे घोल भी तैयार कर लिया है हमने, और इधर आटा भी तैयार है। तो चलिए एक छोटा सा पोर्शन लेकर के और इसे एक रोटी के शेप में हमें पतला बेल लेना है। ये आप देख सकते हैं इसे बेल लिया है हमने, और ये साइडों से थोड़ा शेप में नहीं है तो इसे काट कर हम शेप दे देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे मावा का छोटा सा पोर्शन हम लेंगे और इस तरीके से लंबे आकार में इसे रोल कर लेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से रख देना है हमें। उसके बाद से घोले हुए मैदे से हम इस तरीके से साइडों में लगाएंगे, यहाँ पे और इधर से उठाते हुए हम फोल्ड कर लेंगे। हमें आगे के साइड भी लगाना है मैदा, यहाँ पे
पहले ही लगा लें और इस तरीके से उंगली से प्रेस करते हुए इसे हम बिल्कुल चिपका देंगे ताकि ये खुले ना। और इस तरीके से चाकू से हम फोल्ड किया हुआ जहाँ तक है वहाँ से हम कट कर लेंगे, इसे रख देंगे, इसे वापस बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं प्रेस करते हुए अच्छा से इसे फोल्ड करना है, चिपका लेना है और एक फोक के मदद से इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे। आप जिस तरीके के डिजाइन यहाँ बनाना चाहते हैं उस अपने पसंद से यहाँ बना सकते हैं। हमने एक फोक से इसे इस तरीके से डिजाइन कर दिया है और यहाँ पे हल्का सा मैदा और लगा लेंगे हम इसे हाथ पे लेने के बाद। और इस तरीके से मोड़ते हुए दोनों साइड से हमें इस तरीके से मोड़ते हुए लाना है, ये देख सकते हैं इक्वल तरीके से। और यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रेस करते हुए थोड़ा सा किनारे बाहर कर लेंगे, थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं बन के तैयार है गुजिया। और इसी तरीके से हम सारे गुजिये को तैयार कर लेंगे और थोड़ा सा यहाँ बीच में मैदा लगा देंगे और इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि यहाँ से चिपक जाए, खुले ना। तो ये देखते हैं इधर साइड में हमने उभार दे दिया है और ये बनके बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से सारे गुजिया हमने तैयार कर लिया है, तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है और इसे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हमें रखना है और इसमें एक बार में जितना गुजिया आएगा हम डाल के इसे फ्राई कर लेंगे और गोल्डन फ्राई करना है इसे। तो आप देख सकते हैं इसे हमने डाल दिया है और इस तरीके से तेल डालते हुए फ्राई करना है और इसे फटाफट हम पलट लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं गोल्डन कलर आ चुका है, तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है 2 से 2.5 मिनट में। और हमें लो मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई करना है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब ये फ्राई हो चुका है तो इसे निकाल कर हम डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे इस तरीके से, और 5 मिनट के लिए हम चाशनी के अंदर इसे डुबो कर छोड़ देंगे। उसके बाद से इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से हम सारे गुजिये को तैयार कर लेंगे और 5 मिनट के लिए चाशनी में डुबो कर छोड़ देंगे। तो ये आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुका है, तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसे कितना दिन भी आप 10 से 15 दिन भी रख के फ्रिज में इस तरीके से निकाल कर और रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं सारे गुजिया हमने निकाल लिया है और चलिए इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना ये जूसी है। तो आप ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना हुआ है, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनता है और बड़े और बच्चों को बहुत पसंद आता है। और इस होली पे आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।